यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग की थियोरी, यानी कोहलबर्ग ने बेसिकली अपनी थियोरी में क्या बातें कही हैं और उनसे क्वेश्चंस, उससे क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। तो कुछ आई थिंक 26 या 30 क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और सी टेट में फिर इसके बाद ज़्यादा टॉपिक्स आपके बचते नहीं हैं। आई थिंक हार्डली एक या दो टॉपिक, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके बचेगा। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी होंगी। आज सेशन थोड़ा सा जल्दी है, मतलब 2 घंटे पहले है ये कह सकते हैं, 7:30 के अराउंड, 7:21 हुए हैं वैसे। ठीक, तो मुझे निकलना है कहीं थोड़ी देर के लिए, मतलब ठीक है, दैट्स ओके। तो आज सेशन थोड़ा सा जल्दी रखा ही गया है, जो लोग बाद में देखेंगे वो बाद में देख लीजिएगा। हाँ, एक बात थी, पैसेज वाला सेशन कैंसिल हुआ है, वो कल ले लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है अपने पास। और मैराथन सेशन चल रहे हैं यार, 2 घंटे का मैराथन सेशन में ना बहुत एनर्जी लगती है, उसके बाद गले की हिम्मत रह भी नहीं जाती बैक टू बैक लेने की। तो 4 to 6 अगर ज्वाइन कर रहे हो ना ये मैराथन सेशंस, टेलीग्राम पे लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, वो ज़रूर करो, तभी कर सकते हैं। CDP का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है, वो रिकॉर्डेड देख लो। और कल EVS है, परसों मैथ्स है, तो ये 20 से 24 तक के मास्टर रिवीजन क्लासेस थी आपकी। ठीक, यहाँ भी कराऊंगी जनवरी में, देखो एक बार, बट उसको अभी रिवाइज करके और प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, ये YouTube का प्लेटफॉर्म है और वो इसी तरीके से वर्क करता है। टेलीग्राम चैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ सारे PDF मैं शेयर कर ही देती हूँ, लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर होगी और एग्जाम में तो आता ही है। एक नंबर तो फिक्स्ड है CTET में, एक नंबर फिक्स्ड बिल्कुल, इधर से उधर हम कर नहीं सकते, आना ही आना है एक क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, इवेंट डिलीट करके दोबारा लगाया है, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ एक बार, फिर कंटिन्यू करेंगे। खैर, इंग्लिश का रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी से वो सेशंस हुए हैं। अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुडंट स्टील द ड्रग, यानी हाइंस को शुड नॉट, मतलब उसको स्टील नहीं करनी चाहिए थी। हाइंस डिलेमा एक कहानी है कोहलबर्ग की थियोरी में, मैंने वो थियोरी कराई हुई है, प्याजे वाइगोस्की कोहलबर्ग एक ही थियोरी में कराए हुए हैं, जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर ही है। हाइंस एक व्यक्ति है जिसके सामने दुविधा है कि वो अपनी वाइफ को बचाए या फिर चोरी करे, है ना, क्योंकि दवाई उसको मिल नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति बन गई है कि वो डिलेमा में है। ठीक, तो हाइंस को ड्रग को चोरी नहीं करना चाहिए था, दवाई को चोरी नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डस सो। क्यों? क्योंकि अगर वो पकड़ा गया या पकड़ा जाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। ये रीजन है बच्चे का या व्यक्ति का किसी भी हाइंस को चोरी करने के, ना करने के पीछे, कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि जेल हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर, मतलब कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्टेज में बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, किस स्टेज में या किस लेवल पर है, ये पूछा है। बताइए, आंसर करिए, कीजिए प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, जिन लोगों को आज टाइम की वजह से दिक्कत होगी, कई लोग रात को ही आते हैं, एकदम सडन चेंज है सेशन के टाइमिंग में। बी और सी आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखो, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन तो टिट फॉर टैट होता है सेकंड स्टेज, तो टिट फॉर टैट की तो बात ही नहीं हो रही, यहां तो सीधा जेल की बात हो रही है। आप बी और सी में कंफ्यूज हैं, इसमें भी आपका क्लियर है कि ये तो 6th लेवल है, है ना। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, और सी ऑप्शन है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। देखो, सिंपल बात है, अगर मैं बात करूं यहां सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की, तो यहां ऐसी बात नहीं हुई है कि समाज में नियम बना रहेगा इसलिए उसको चोरी नहीं करनी चाहिए और फिर उसको लॉ का पालन करना पड़ेगा, इतनी बात तो हुई ही नहीं। बात क्या हुई है यहां, सिंपल बात हुई है कि पनिशमेंट मिलेगी यदि कुछ काम करेगा तो, सही और गलत का पता नहीं बट पनिशमेंट जरूर मिल जाएगी। अगर इसमें रीजन ये होता कि समाज का जो एक नियम है या जो हम कॉन्ट्रैक्ट है हमारे सोसाइटी में जिसके बेसिस पे हम सही और गलत निर्धारित करते हैं वो टूट जाएंगे और जेल जाना पड़ेगा, तब तो बात बी सही थी, लेकिन कोई रीजन ही नहीं है। सिंपल है, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा, मतलब पनिशमेंट का डर है, अगर पकड़ा जाए, पकड़ा ना जाए और जेल ना जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे बच्चे को। तो ये पहला लेवल है, पहली स्टेज है फर्स्ट लेवल की। ठीक, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, कुछ 4 से 8 वर्ष के बीच में इसकी एज होगी। ठीक, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत? 4 से 10 के करीब बताया था ना फर्स्ट लेवल। खैर, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग, यानी कि
डिस्क्रिप्शन पढ़िए और देखिए कौन सी स्टेज की बात है। डिस्क्रिप्शन क्या है? राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट। यानी कि सही एक्शन जो है वो सेल्फ चोजन होना चाहिए, एक इंसान के खुद के एथिक्स पे बेस्ड होना चाहिए, बजाय कि लॉ क्या कहता है, समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है। मतलब सेल्फ चोजन प्रिंसिपल, यानी आप खुद निर्धारित करेंगे सही और गलत अपने लिए। तो ये स्टेज कौन सी है आपको पता है? इस स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है जहां पे हम बात करते हैं। इसी के कारण हम कह सकते हैं सती प्रथा खत्म हुई होगी, इसी के कारण बहुत सारी चीजें हुई होंगी, इसी के कारण महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और इतने सारे लोग जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा था, है ना। तो पूरी ऐसा इंसान क्या होगा, कह सकते हैं कि वो सेल्फ चोजन एथिक्स पे काम करेगा, उस खुद की मॉरलिटी होगी। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन तो टिट फॉर टैट है, ऐसी यहां कोई बात नहीं हुई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन फिफ्थ स्टेज है। यहां ये बात होती है कि अगर नियम अच्छे ना हो तो उनको तोड़ सकता है इंडिविजुअल, पूरी ह्यूमैनिटी की बात नहीं होती। और दूसरा, सेल्फ चोजन नहीं होते एथिकल प्रिंसिपल्स, विचार होता है कि समाज में जो नियम है उनको तोड़ा भी जा सकता है यदि वो ठीक के लिए ना हो तो। ठीक, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये ऑर्डर मेंटेनिंग जो है ये लॉ एंड ऑर्डर है कि भाई मेंटेन तो करना ही है लॉज को, तो ये तो जस्ट उल्टा हो गया। देखो ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इसमें हल्का सा ही अंदर होता है, भाषा बदल जाती है कई बार। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, यानी कोहलबर्ग की थियरी का योगदान या कॉन्ट्रीब्यूशन किस एक ऑप्शन को आप मानेंगे? फटाफट से चूज कीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए एक बार। सही बात है पंडित जी कह रहे हैं, दिख नहीं रहा, नितिका लिटा दो इसको, आज तो कोई पार्टी में जाएगा, अनुराग कह रहे हैं। हाँ यार, पार्टी तो क्या ही है, नॉर्मल बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेंगे। देखिए एक बार, विनीता यहां से तो क्लियर है भाई, थर्ड का सी, मतलब इनमें से कौन सा एक जो पॉइंट है वो कोहलबर्ग की थ्योरी से मिलता हुआ है या सही है। His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. यानी जो कोहलबर्ग का विकास है, नैतिक विकास, उसमें बात हुई है संज्ञानात्मक परिपक्वता को नैतिक परिपक्वता से जोड़ा गया है। बात तो ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं आगे। The theory has elaborate testing procedures. टेस्टिंग जैसा तो कुछ नहीं है, अभी आईक्यू टेस्ट तो हो नहीं रहा है। It establishes a clear relationship between moral reasoning and action. बात ठीक है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है एक्शन लेने में, बट इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसोफर्स, नहीं दार्शनिक नहीं माना बच्चों को। ठीक, तो ये जो बात है कि मॉरल रीजनिंग जुड़ी हुई है एक्शन के साथ, बिल्कुल कह सकते हैं मॉरल रीजनिंग एक ऐसी थिंकिंग है जो किसी भी डिसीजन को लेने में हमें मदद करेगी। लेकिन ये मॉरल रीजनिंग आएगी कहां से? ये मॉरल रीजनिंग आएगी बच्चे के या व्यक्ति के संज्ञानात्मक परिपक्वता के कारण, यानी कॉग्निटिव मैच्योरिटी कैसी है उसकी, वो किस स्टेज में है, किस एज में है, संज्ञानात्मक रूप से कितना वो मैच्योर हो चुका है, ये जो समझ है उसकी, जो रीजनिंग है। भाई अगर आप एक 15 साल के बच्चे को कहोगे कि दो दिन मिलेगा किसी को और वो तैयार हो जाएगा, ठीक है लोग घर से छोड़ करके और ऐसे लव मैरिज के लिए तैयार हो जाएंगे, एक 25 साल के इंसान को कहोगे तो वो अगर पहली बात तो वैसा करेगा नहीं आसानी से, करना है तो उसकी रीजनिंग अलग होगी, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी जो है वो आपके मॉरल मैच्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ठीक है, रीजनिंग आपकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर आएगी, यानी एज के अकॉर्डिंग रीजनिंग बदलेगी। ठीक भाई, जिस एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा अलग तरीके से रीजन करेगा उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पे, और एक सेकेंडरी स्कूल का या कॉलेज का बच्चा अलग तरीके से करेगा। मतलब बेसिकली ये जो थियोरी है ये ड्रॉन है, ये बेस्ड है प्याजे के मॉरल डेवलपमेंट पे। प्याजे का भी मैंने कराया हुआ है, बट जनरली सीटेट में क्वेश्चन आता नहीं है प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट से, तो उनसे ही संबंधित है। और प्याजे तो पूरी तरीके से संज्ञानात्मक परिपक्वता पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी एक स्टेज है जिसको आप नैतिक विकास का हिस्सा मानेंगे, बताइए। मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ क्योंकि कई लोगों को बाद में देखना पड़ेगा ये सेशन, आज टाइमिंग पहले ही है तो आपको समझ में आसानी से आ जाए। बताओ एक बार, आंसर करो। आपकी जोक बनाई जा रही है, पुनीता कह रही है। यार बहुत सारे चैनल्स हैं, अभी तो कल परसों कोई कह रहा था, मेरा तो कोई पर्सनल फैन चैनल नहीं है, मैं अपना तो जो हिमांशी सिंह है उस पर तो डाल नहीं पाती हूँ, है, और व्यूज खतरनाक खतरनाक देख रही हूँ मैं आजकल, देख रही थी कल परसों सर्च कर रही थी।
तो ठीक है, मतलब अगर जब तक नेगेटिव नहीं है कुछ तब तक चलेगा, अगर नेगेटिविटी है तो फिर रिपोर्ट कर देंगे और क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, हंसी मजाक तक ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए लेटेंसी, तो सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं लेटेंसी की, तो ये तो फ्रॉइडियन स्टेज हो गई। ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये आपकी फिफ्थ स्टेज है अगर मैं बात करूं तो, किसकी? कोहलबक की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे ने दी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, प्याजे ने दिया है, प्याजे का 7 से 11 वर्ष वाली स्टेज है। इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी एरिक एरिक्सन ने दी है, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, फुर्सत हो और सब कुछ देख चुके हो तो एरिक्सन भी देख ही लेना। ठीक, जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं क्रैश कोर्स टाइप्स में, वो एरिक्सन छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, फ्रॉइड भी स्किप कर सकते हैं, बट जिन्होंने बाकी सब कुछ तैयार किया हुआ है वो ये दोनों थियोरी भी देख सकते हैं, मैंने कराई हुई है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक बच्ची है नूर, फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माय टिफिन विद यू यस्टरडे। मतलब एक बच्ची है नूर, स्कूल में टिफिन लाना भूल गई और तान्या अपनी फ्रेंड से कह रही है कि तुमको ना आज अपना लंच अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मैंने भी अपना अपना लंच अपना टिफिन तुम्हारे साथ शेयर किया था। मतलब अदला बदली, मतलब टिट फॉर टैट, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है बात। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नूर्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट। भाई ये जो नूर की स्टेज है, एक तो नाम ऐसा है, गाने गाने का मन करता है, ये जो नूर की स्टेज है वो कौन सी है और लेवल कौन सा है ये पूछा है। आसान है, सेकेंड लेवल है टिट फॉर टैट, सिंपल है। क्या समस्या आ रही है? टिट फॉर टैट कहाँ है? एक्सचेंज, ये कई नाम से मिलता है, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, और भी इसके कई नाम है ना। तो आदान प्रदान कह सकते हैं, लेवल कन्वेंशनल नहीं होगा, लेवल कन्वेंशनल नहीं होगा, लेवल होगा प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर है। ठीक है, क्योंकि पहली स्टेज क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, उसके जस्ट नेक्स्ट यही है पूर्व परंपरागत में आता है। ये पेपर में भी आपका शायद 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में भी सेम मिस्टेक दी हुई है उन्होंने, कन्वेंशनल ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ठीक भी नहीं कराया। क्यों? क्योंकि आपको कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए, जरूरी नहीं है एग्जामिनर की आज की डेट में स्पेशली यूपीएससी तक में तो हिंदी की ट्रांसलेशन में गलतियां हो रही हैं, तो आप ये मत सोचिए कि एग्जामिनर का 100% ठेका है कि वो सही ही देगा, गलती हो सकती है, आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। ठीक है, तो कई बार एक नंबर फ्री का मिल भी जाता है और ज्यादातर केस में नहीं होता, और सीटेट में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। ठीक, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि लॉ एंड ऑर्डर हो नहीं सकता, क्योंकि टिट फॉर टैट की बात थोड़ी होती है लॉ एंड ऑर्डर में। ओबीडियंस, तो इसमें तो सिर्फ आज्ञा पालन होता है, इसमें तो ओबीडियंस मतलब इसमें एक्सचेंज क्या है? बींग नाइस, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की तो बात ही नहीं हो रही इसमें, सिंपल है। क्या होगा? एक्सचेंज। बाकी किसी में प्री कन्वेंशनल लेवल सिर्फ इसी में है जो कि हो नहीं सकता था। तो अगर आप इस तरीके से सेशन को समझ पाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी। आदान प्रदान, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, ये सेकेंड स्टेज है। ठीक, कि अगर बच्चे ने आपको पेंसिल दी है तो वो आपसे भी कुछ बदले में लेगा, अब वो दुकान से सामान जब लेके आएगा जब आप उसको कुछ बदले में एक चॉकलेट देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड, मतलब कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में जो निर्णय लेने में तर्क शामिल है, चिंतन प्रक्रिया शामिल है, इसको क्या कहेंगे? यानी राइट और रॉन्ग के बारे में आप डिसीजन लेते हैं उससे पहले एक थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उससे पहले एक चिंतन की प्रक्रिया शामिल होती है, उसको क्या कहेंगे? बताइए एक बार फटाफट से बताओ, बहुत तेजी के साथ। हाँ यार, आज थोड़ा जल्दी है, मुझे जाना है, मतलब सेशन का टाइम जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं है, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके जाऊंगी, और छुट्टी का समय अब रह नहीं गया, संडे को बस डिस्कशन हो जाए उतना काफी है। देखिए एक बार, 4 साल हो गए लगातार लाइव सेशन चलते हुए। देखो, मॉरल रीजनिंग कहते हैं इसको, मॉरल रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग मतलब तर्क, थिंकिंग प्रोसेस, रीजन करना पड़ेगा ना, ये करूं या ये करूं, ये करूं तो क्यों करूं और ये करूं तो क्यों करूं, मतलब थिंकिंग लग रही है, रीजनिंग लग रही है, तर्क लग रहा है इसमें, बाकी कहीं तर्क की बात ही नहीं हो रही, थिंकिंग की बात ही नहीं हो रही। मॉरल डिलेमा दुविधा को कहते हैं, तो दुविधा तो स्थिति है ना अपने आप में, थिंकिंग प्रोसेस दुविधा थोड़ी है, दुविधा तो एक परिस्थिति है जब आप चूज नहीं कर पा रहे दो चीजों के बीच में कि क्या करूं, जैसे आज सेशन छोड़ू या फिर दोस्ती, तो बीच का रास्ता निकाल लो अगर निकल पाए तो। खैर, तो ये एक बात हुई, ये मॉरल रियलिज्म और कोऑपरेशन की बात हमने प्याजे के साथ की हुई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन
ये कोहलबर्ग से संबंधित नहीं है बेसिकली. अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, यानी कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक विकास या नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है, बताइए एक बार फटाफट से बताइए जल्दी. कितने क्वेश्चन है यार, आई थिंक 26 या 26 ही है, 26 क्वेश्चन है, अभी 20 क्वेश्चन बाकी हैं. स्पीड हम कम रखेंगे क्योंकि कोहलबर्ग में आपको कंफ्यूजन हो जाती है. और लाइक शेयर करते रहा करो जैसे जैसे आते हो, आपकी प्रेजेंस का पता लगता रहेगा. बाकी आपकी इच्छा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुशी मिलती है. अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक कैसे मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करे, सिर्फ दिखाने से, इंपॉर्टेंस देकर के रिलीजियस टीचिंग को, ऐसी तो हमने कोई बात ही नहीं पढ़ी. इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज या फिर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस. देखो सबसे बेहतर है कि बच्चा एक्टिव हो, जहां ये बात मैं आपको इन जनरल भी कहती रहती हूँ, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है ज्यादातर चांसेस हैं कि वो सही होगा. अब यहाँ पे ठीक से समझिए, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, बहुत सारे सैंपल लिए थे. सैंपल में क्या, लोगों को लिया, बच्चों को लिया अलग अलग एज के, और उनके सामने दुविधाएं पेश की. किसने, कोहलबर्ग ने. डिलेमास दी उनको और सोचने को कहा कि ये है प्रॉब्लम, अब सोचो क्या करोगे. तो आप क्या करेंगे, बच्चों को डिस्कशन में मॉरल इशू बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मान लो कोई सिचुएशन दे दी, क्या चोरी करना ठीक है, क्या इसको सजा मिलनी चाहिए. तो ऐसे ऐसी जब आप चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे का दिमाग चलेगा, डिस्कशन से उसकी मॉरलिटी, उसकी मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी जो रियल होंगी. सिर्फ क्लियर रूल्स तो सबको पता है, कौन कितने लोग मान रहे हैं बिहेवियर के, है ना. इंपॉर्टेंस रिलीजियस, रिलीजन की तो बात ही नहीं हुई यहां पे, ये तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, मॉरलिटी तो मॉरलिटी है. ठीक, इंस्ट्रक्शन हाउ टू बिहेव, इंस्ट्रक्शन और रूल तो दुनिया भर के बने फिर रहे हैं, पूरा कानून बना हुआ है, कितने लोग मान रहे हैं. ठीक, तो ये तो तरीका नहीं होगा, तरीका होगा उनको इन्वॉल्व किया जाए डिस्कशन में. तो आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करना ही एकमात्र सही तरीका है बच्चे की मॉरल मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट कराने का. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन, ये रिपीट हो गया क्या, बेस्ट वे. हाँ ठीक है ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है. देखो एक बार, टू गिव मॉरल लेक्चर्स इन द मॉर्निंग, पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज या फिर टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरलिटी एंड अमॉरलिटी. भाई अलग अलग बात है, हिंदी में लिखी हुई है, पढ़िए फटाफट से और जवाब दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से. एट्थ का बी कह रहे हैं कई लोग, टू गिव मॉरल लेक्चर्स. अभी मैंने बताया सिर्फ ज्ञान देने से नहीं चलेगा, जब तक वो लाइफ से नहीं जुड़ेगा बच्चे की, डिस्कशन से चलेगा, उनको किसी सिचुएशन में डालने से चलेगा. पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन बेटर है. और देख लेते हैं, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज बाय टीचर एंड एल्डर्स. सिर्फ दर्शाने से अच्छा ये नहीं है कि बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव है उतना बेहतर है. टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरलिटी एंड अमॉरलिटी. सबके अपने फिर अलग अलग एज में अलग अलग प्रिंसिपल्स होंगे, तो आप कैसे उनको स्ट्रिक्टली कह देंगे कि सिर्फ यही करना है. तो पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन, मतलब आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखेंगे और उनको मौका देंगे कि निर्णय लेके बताओ कि अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या तुम एग्जाम देने जाओगे या पहले जान बचाओगे या एम्बुलेंस को कॉल करोगे. तो हो सकता है दुविधा, अब जो बच्चा जैसी नैतिक तर्कना लगाएगा, जैसी उसकी वैल्यूज होंगी, जैसा उसका थॉट प्रोसेस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय लेगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉरल वैल्यूज ज्यादा बेहतर इनकलकेट होंगी बजाय कि सिर्फ दार्शनिक बनने के या सिर्फ बातें करने के. उसको डालो सिचुएशन में और तब देखो. अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग. ये जो थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग है, इसको हम रीजनिंग कह सकते हैं, मॉरल रीजनिंग. ये किस बेसिस पे डेवलप होती है बच्चे के अंदर. पहला ऑप्शन है अलग अलग उम्र में, अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग तरीके से, या फिर अलग चरणों में समान रूप से, यानी सभी जितने भी स्टेजेस हैं उनमें एक ही तरीके से होगी, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के अकॉर्डिंग, या फिर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पेरेंट्स. बताइए क्या होगा आंसर, आंसर बताइए फटाफट से. नहीं टाइम चेंज नहीं हुआ, ये बस आज के लिए एक्सेप्शन है, आज के लिए एक्सेप्शन है, टाइम वही रहेगा अपना 9:30 का ही, इवन 9:15 कर देंगे उसको. ठंड बढ़िया है, ठंड बढ़िया दिल्ली ना, बढ़िया ठंड है दिल्ली में. बताओ एक बार, अभी 2-3 दिन से बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ रही थी एकदम. ये एग्जेजरेशन है, अतिशयोक्ति है. देखो डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस या एज होगा ये, डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस या एज. ठीक, मतलब अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से बच्चे की अप्रोच होगी, बच्चे की थिंकिंग होगी, बच्चे की रीजनिंग होगी. ठीक, और कॉन्टेक्स्ट भी वैसे ही बदलेगा, इवन सेम कॉन्टेक्स्ट में भी अलग एज का बच्चा अलग तरीके से एक्ट कर सकता है. तो इसका आंसर कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा, ए ही बनेगा. आगे बढ़ेंगे.
बहुत सारी बुक्स में है, पहले मुझे भी शुरुआत में गलतफहमी हुआ करती थी, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है बहुत जगह पे। देखो, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी स्टेज प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए काम में आएगी। प्राइमरी स्कूल मतलब 5 से 6 वर्ष की उम्र होगी, 5 से कह सकते हैं हम कितना, 10 साल तक, भाई 5 ही साल की तो होगी अगर फर्स्ट टू फिफ्थ में बैठा रहे हो तो लगभग 10 साल है ना, जो 4 से 10 का टाइम आई थिंक मैंने आपको बताया। तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा किस स्टेज में होगा ये बताइए। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बात तो ठीक है, तो पहली स्टेज है तो ऑब्वियस है कि सबसे छोटा स्तर यही होगा, और प्री प्राइमरी में 3 साल तक कोई मॉरलिटी डेवलप नहीं हो चुकी होती है, 4 साल से इसलिए स्टेजेस रखी गई हैं। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है ये म्यूचुअल एक्सचेंज सेकेंड स्टेज है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये तो सेकेंड लेवल हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये 5th लेवल हो गया। तो आंसर होगा इसका ए और बी, ए और बी है कहीं, बी एंड ए दिया हुआ है, यही हो जाएगा सी ऑप्शन, बी और ए दोनों सही हैं, बाकी के 1st लेवल में नहीं आते। देखो पहला जो लेवल है ना मॉरेलिटी का प्री कन्वेंशनल, ये है प्राइमरी के लिए, दूसरा है एलिमेंट्री कह लीजिए आप 10 से 14, और फिर 14 अबव है जो आपका लास्ट है, उसमें अडल्ट आ जाएंगे 3rd लेवल। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, 4 से 10 पहला लेवल प्राइमरी का बच्चा इसी में आएगा। एक क्वेश्चन है बड़ा सा, पढ़िए इसको, कल तक पढ़िए, पानी लाना भूल गई हूँ मैं। देखो एक बार सी क्वेश्चन देखो, कुछ लोग तो मेरे साथ 4 बजे से पढ़ रहे होंगे हैं, बहुत ही बढ़िया यार, गजब। बिहेवियरल थ्योरी पढ़नी है, करा दूंगी किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने कराई हुई है यार, सर्च कर लो लर्निंग थियोरीज में। ईवीएस शुरू करेंगे, जल्दी करेंगे, टेंशन मत लो, जो मुझे कराना है मैं कराऊंगी, आप तैयार रहना, बस इतने करते रहो। अभिमन्यु आ स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस सेक्शन होता है एक, उसका बच्चा है, टेक्स एडमिशन इन क्लास ऑफ क्लास 4th, यानी कक्षा 4 में एडमिशन लिया है, ऑफ अ पब्लिक स्कूल अंडर आरटीई एक्ट। भाई पब्लिक स्कूल को 25% आई थिंक वो है ना कि उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी रखना है, मतलब जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनको भी एडमिशन देना है पब्लिक स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को आरटीई में ऐसा प्रावधान है, ठीक। आफ्टर सम टाइम को स्टूडेंट्स ऑफ अभिमन्यु स्टार्ट बुलिंग हिम फॉर हिज पुअर बैकग्राउंड, एज अ टीचर व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन इफ यू आर फॉलोइंग द कोहलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे यदि एक कक्षा 4 के बच्चे को बुली किया जा रहा हो, उसको चैन से ना रहने दिया जा रहा हो क्योंकि वो एक गरीब परिवार से है, किसके अकॉर्डिंग, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, इफ यू आर फॉलोइंग दी कोहलबर्ग थियरी, कोहलबर्ग की थियरी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक, फटाफट से आंसर करो। पहला ऑप्शन है कन्वे कर देंगे कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, काउंसिल करेंगे, पूछेंगे अवॉइड करें बच्चों को बुली करना, या रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल से, अवॉइड कैसे कर सकता है यार जब बुली हो रहा है, तो काउंसिल स्टूडेंट्स अबाउट एक्सेप्टिंग अभिमन्यु एज देयर फेलो स्टूडेंट्स, या फिर कन्वे टू दैट दे विल बी पनिश्ड इफ दे कंटिन्यू बुलिंग अभिमन्यु। अब देखो आरटीई के अकॉर्डिंग अगर हम जा रहे हैं, आरटीई के अकॉर्डिंग तो उसका क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। आरटीई कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन करता है, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, ठीक, कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते हम, ठीक, पनिशमेंट नहीं दे सकते एक तरीके से, लेकिन बात ये हुई है कि आरटीई की वजह से वो जो 25% का कोटा है ईडब्ल्यूएस का, उसमें एडमिशन मिल गया प्राइवेट स्कूल में, लेकिन अब बच्चे उसको बुली कर रहे हैं। आप कोहलबर्ग की थ्योरी में विश्वास रखते हैं तो क्या करें, मॉरली तो ये बात गलत है ना बुली करना, तो क्या करोगे, सिंपल है, पहली स्टेज है, क्योंकि देखो कौन सी स्टेज है, इन बच्चों को कौन सी भाषा समझ आएगी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, अगर आप कोहलबर्ग को फॉलो कर रहे हैं तो कन्वे करेंगे इस बात को, आप पहुंचा देंगे बच्चों तक कि यदि तुम इसको बुली करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो वो डंडे के डर से नहीं करेंगे क्योंकि पहली स्टेज है ना, बच्चे तो पनिशमेंट से बचना चाहते हैं इसलिए आज्ञा पालन करते हैं, तो ए ऑप्शन हो गया सीधा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसेस, ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट विच स्पेंड्स मिलियंस ऑफ रुपीज इन बिल्डिंग अननेसेसरी डैम्स, ही इज प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कर्नेल सिंह क्या है, कर्नेल सिंह पर कानूनी कार्रवाई होने के बावजूद भी वो इनकम टैक्स पे नहीं करते क्योंकि वो ऐसी सरकार को अपना पैसा नहीं देना चाहते खून पसीने का, जो सिर्फ डैम्स बनवाने में या आजकल बहुत सारी चीजें करने में पैसा खर्च करती है टैक्स का,
उन पे चाहे लीगल कार्रवाई हो जाए तब भी नहीं देना चाहते। दैट मीन्स उनके खुद के चोजन प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने खुद अपने मॉरलिटी निर्धारित की हुई है। कौन सी स्टेज है? सिंपल है, पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल, पैरा कन्वेंशनल कुछ होती नहीं है, कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल में आएगा नहीं, क्योंकि कन्वेंशनल में आप समाज के अनुसार चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल का मतलब ही है ट्रेडिशंस, यानी जैसा समाज में चल रहा हो। प्री कन्वेंशनल यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ दंड से बचना चाहेगा। पोस्ट कन्वेंशनल अडल्ट भी हैं ये, तो एज के अकॉर्डिंग भी आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ टीचर सेज टू हर क्लास एज इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आर डिजाइंड टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली, ऑल स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट असाइनमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड विदाउट एनी असिस्टेंस। शी इज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि टीचर ने कहा है कि भाई इंडिविजुअल असाइनमेंट्स हैं, हर एक बच्चे को अपना अपना असाइनमेंट खुद से करना है। बताइए किसी की मदद लिए बगैर कौन सी स्टेज है, फटाफट से आंसर करो। मैंने किया हुआ है संजीव, थोड़ा सा ऊपर जाके देखो, टेलीग्राम में हर रोज 2-3 लिंक शेयर होते हैं, तो इस चक्कर में ऊपर चला गया होगा। मैंने 4-5 क्लासेस का लिंक शेयर किया हुआ है आपको, ठीक है, वो जाके देखो एक बार। कोहलबर्ग याद नहीं रहता, कोई तरीका बताएंगे, कुछ दिन पहले याद करने की कोशिश करो, लास्ट में रिवाइज करा दूंगी, याद आ जाएगा, सेशन के लास्ट में बता दूंगी। अंशु कह रही है आपके क्वेश्चंस इतने इजी क्यों लग रहे हैं, आप इजी बनाए हैं या फिर लेक्चर्स के बाद लग रहे हैं? इसमें एक श्रेय लेक्चर का भी होगा, दूसरा ये है कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस, तो ना तो ये इजी हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपको अगर इजी लग रहे हैं तो सिंपल है, तैयारी आपकी ठीक चल रही है सीटेट के हिसाब से। वैसे भी खैर इस थियरी से इससे ज्यादा बाहर और क्या पूछेगा। देखो, आ टीचर सेज टू हर क्लास एज, क्योंकि यहां मेन मकसद ये नहीं है कि आपको फेल फील कराया जाए या पास फेल कराया जाए, मेन मकसद ये है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करें। बस भाषा बदलेगी, क्वेश्चंस यही रहेंगे घुमा फिरा के, और ये बार बार आते हैं। देखो एक बार आंसर कीजिए, एक टीचर है जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स के लिए कह रही है कि खुद से ही पूरे करने हैं। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज तो तब होता जब वो कहती तुम अच्छे बच्चे बनोगे अगर खुद से करोगे तो, है ना, टिट फॉर टैट वाली बात नहीं, नाइस बॉय गुड बॉय गुड गर्ल होता तब, ठीक। यहां कुछ बदले में नहीं मिल रहा तो ये तो होगा ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पे रूल्स की बात हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि समाज का कुछ भला होगा या एक करेगा तो सब करेंगे, पनिशमेंट की तो बात ही नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कन्वेंशनल स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, रूल्स आर रूल्स। फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज है कन्वेंशन की, सेकेंड लेवल की। कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं, लास्ट में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास के सिद्धांतों की विशेषता कौन सी है, बताइए। बहुत बढ़िया अंशु, बताइए एक बार। हाँ दीमा, ये भी हो सकता है मेरी एक्सप्लेनेशन ठीक होगी तो शायद आपको आसान भी लग रहे हो, खुद से करते हैं कई लोग तो गलतियां करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप खुद से भी करके देखते हो क्वेश्चंस को। विशेषता बताइए, किस चीज की बताओगे विशेषता? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की स्टेजेस की। वेरिएबल है क्या ये? वेरिएबल जैसा कि मैं आपको लिखती हूँ वीडियो के हर एक सेशन के एंड में, आपको देखा होगा आज तक, बी योर ओन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब है आप अपने साथ हमेशा खड़े रहें, फिक्स्ड, बिल्कुल अपने लिए स्टैटिक रहो, अपने साथ रहो। वेरिएबल इसका जस्ट उल्टा होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी कर जाए। वेरिएबल नहीं है स्टेजेस, चाहे आप अमेरिका में चले जाइए, चाहे आप भारत में रहिए, चाहे आप अफगानिस्तान चले जाइए, चाहे श्रीलंका, दुनिया के हर कोने में स्टेजेस यूनिवर्सल हैं, वेरिएबल नहीं है, सभी के लिए एक जैसी हैं। लेवल 3 है और स्टेजेस 6 हैं दुनिया के हर बच्चे के लिए। कोहलबर्ग के अनुसार स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, ये कहना गलत होगा क्योंकि जनरल पैटर्न है, सभी के लिए एक जैसा है ना, सामान्य है, हर बच्चे के लिए अलग थोड़ी है। यूनिवर्सल सीक्वेंसेज ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, ये बात सही है कि, और इसमें इनका क्रिटिसिज्म भी है कि कल्चर को ध्यान में नहीं रखा, कोई भी संस्कृति हो दुनिया में सबके लिए यूनिवर्सल सीक्वेंस है। स्टेज 1 वही रहेगी, स्टेज 2 वही रहेगी, स्टेज 3 वही रहेगी, स्टेज 1-6 ऐसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो। कोहलबर्ग ने यूनिवर्सल दिए हैं, सार्वभौमिक दिए हैं। स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हायरार्किक मैनर, नॉन हायरार्किक इसलिए नहीं है क्योंकि हायरार्की का मतलब यह कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाए, जटिलता बढ़ती चली जाए, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कॉम्प्लेक्स होती चली जाए चीजें, और इसमें होती हैं, 6th स्टेज तक जाते जाते वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है हर स्टेज के साथ, तो नॉन हायरार्किक नहीं कहेंगे, वर्गीकृत हैं प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फटाफट से, इस टाइम तो आप लोग बिजी रहते हैं, बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, एज अ टीचर यू फॉर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग एंड पुट अप पोस्टर्स एंड फॉर्म कमिटीज इन स्कूल, द यंग एडोलेसेंट्स हु जॉइन यू विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। यानी कि आप एक शिक्षक हैं जो विश्वास रखते हैं इस बात में कि रैगिंग और बुलिंग नहीं होनी चाहिए, रैगिंग अलाउड नहीं है आजकल, आप देखते ही हैं, और इस चीज के लिए आप क्या है कमिटी बनवा करके क्या कर रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं पूरे कॉलेज में कि से नो टू रैगिंग, से नो टू रैगिंग, क्योंकि रैगिंग होती है कॉलेजेस में या स्कूल में जहां पे भी। द यंग एडोलेसेंट्स हु जॉइन यू विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। ये बच्चे जो आपको ज्वाइन कर रहे हैं किस चीज को मानते हुए कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ये आपका अपना बिलीफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो गया ना, सिंपल सिंपल कि भाई जो चल रहा है उस कन्वेंशन से आप ऊपर चले गए, पोस्ट पे चले गए, कन्वेंशन से आगे की बात हो गई, सी इसकी स्टेज हुई। क्वेश्चन 16 है, इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरेलिटी, किस स्तर पर एब्सेंस है मॉरेलिटी की यानी नैतिकता की अनुपस्थिति है, बताइए एक बार, जवाब दीजिए जवाब। चलिए 16th का ए बी सी चारों के चारों ही दे दो ना आंसर। लेवल वन है ये, यहां एब्सेंस ऑफ मॉरेलिटी है, क्योंकि मॉरेलिटी क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल तरीकों से इम्पोज्ड है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड है, मतलब थोपी गई है बच्चे पे डंडे के बस पे, या तो फिर टिट फॉर टैट की वजह से पहले लेवल पर। तो लेवल वन पे अपनी कोई मॉरेलिटी नहीं होती बच्चे की, बाहर से एक्सटर्नल रूल्स को वो फॉलो करता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और टिट फॉर टैट कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा भुगतोगे, वो वाली सिचुएशन है, उसकी अपनी खुद की कोई मॉरेलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और अगर मैं बाकी के लेवल की बात करूं तो लेवल टू है कन्वेंशनल यानी कि परंपराएं, परंपराएं किसकी है, समाज की। तो लेवल टू सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स होंगे, सोसाइटी की तरफ से मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे। लेवल वन में एक्सटर्नल कोई भी अथॉरिटी हो सकती है उसकी वजह से, ठीक। और अगर मैं बात करूं इसकी फोर्थ की, थर्ड लेवल की, फोर्थ तो है ही नहीं, तो ये सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स होंगे, सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स यानी खुद के बनाए हुए नियम कायदे कानून। अगर ये थ्योरी नहीं देखी है तो समझ में नहीं आएगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी का मुख्य आलोचना क्या है, प्रमुख आलोचना क्या है कोहलबर्ग की थ्योरी की, बताइए जवाब दीजिए फटाफट से। मेरा भी नाम लो, कौन है ये व्यक्ति, हिमांशी कौशिक। अच्छा जी, मैं तो रोज ही बताती हूँ, हिमांशी तो बोलती हूँ ना आके, आप नाराज हैं क्या मुझसे पिछले कुछ समय से, पंडित सौरभ कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं कमेंट आजकल कम लेती हूँ तो वो रैंडमली बहुत सारे कमेंट नहीं दिखते हैं, क्योंकि डिस्कशन करना जरूरी है, एग्जाम आपके सर पे है। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, देखो इसको, इस थियोरी को जेंडर बायस और कल्चरल बायस में रखा गया है। कैरल ग्लीगन ने इनकी आलोचना की है, कैरल ग्लीगन एक महिला है, इन्हीं की स्टूडेंट थी, जीवित हैं। कैरल ग्लीगन ने इनकी आलोचना की है कि विमेन को ध्यान में नहीं रखा गया, ज्यादातर सैंपल्स मेल थे, महिलाओं की जो नैतिक मूल्य हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग संस्कृति में लोगों के नैतिक मूल्य अलग हो सकते हैं, क्योंकि महिलाएं ज्यादा इमोशनल हैं या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो इस बात की वजह से इनका क्रिटिसिज्म खूब हुआ है, एम्पेरिकल बेसिस है, अनुभव है इस थियोरी के, इन्होंने क्लियर रीजनिंग दी हुई है, क्लियर कट स्टेजेस हैं, ये कहना भी गलत होगा कि क्लियर कट स्टेजेस नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, आ चाइल्ड रीजंस यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। यानी एक बच्चा है जो तर्क देता है कि तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम मुझे डैश दो मैं तुम्हें डैश दूंगा, है ना, ये वो वाला नहीं है, खैर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो एक डिफरेंट लेवल की बात हो जाएगी, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है ना, वो इधर नहीं आएगा, ये तो खैर एक मैंने आपको याद कराने के लिए बोल दिया है। बताओ एक बार, वो तो सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स हैं, वो तो पोस्ट कन्वेंशनल में जाएगा, क्योंकि वो कहा किसने ये आप जानते हैं। यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, ये सिंपल है, एक्सचेंज की बात हो रही होगी, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज लिखा हो, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि पर्पज सॉल्व होना चाहिए, भाई मुझे तुम ये दो और मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें मेरा पेन पसंद है ले लो, मुझे अपनी तख्ती दे दो, है ना, या कॉपी दे दो, कुछ और चीज दे दो, ठीक है, क्लियर हो गई बात।
जैसे अभी अभिनय सर आप जानते होंगे शायद, मैथ्स पढ़ाते हैं एसएससी में, तो वो जनरली बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो क्या करता था, मैंने देखा है उनके वीडियोस में, और तो वो बताते रहते हैं कि मैं क्या करता था, मैं बहुत अच्छे से अपना, मुझे लिखने का बड़ा शौक था, तो बच्चों का होमवर्क या जो भी था वो क्वेश्चन वेश्चन सॉल्व कर देता था, और उनसे उस बदले में नई नोटबुक लेता था। दैट मीन्स म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। ये कब होगा आपका? फर्स्ट स्टेज पे, प्राइमरी के लेवल पे, लगभग 10-11 साल तक, है ना? तो कह सकते हैं कि ये एक स्टेज हुई इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन की। ठीक, अब कई लोगों को हंसी आएगी, खैर कोई बात नहीं, मिलवाएंगे किस दिन अभिनय सर से भी आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोहलबाग हैज गिवन, कोहलबाग ने क्या कहा है बताइए, कोहलबाग ने क्या दिया है ये बताइए। मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात नहीं की, फिजिकल की नहीं की, कॉग्निटिव की प्याजे ने की है, बाकी लोगों ने की है, मॉरल डेवलपमेंट की बात की है, हम इतना ही जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, बताइए इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही से मैच्ड है। यही क्वेश्चन है, और कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से, खुद बताओ, फटाफट से आंसर करो, जल्दी जवाब दो जल्दी। मेक अ वीडियो ऑन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल, बता देंगे बता देंगे, ये एक सेशन में ही कवर हो जाएगा, इसको अलग से करने की जरूरत भी नहीं है, इतना कुछ, एक क्वेश्चन आता है इस चीज पे, बताओ जी। अक्षय गुप्ता, ये सेशन बाद में होना था बट क्या करें, आज हमने सोचा थोड़ा छुट्टी का मजा लिया जाए तो पहले ही कर रहे हैं, और 6:30 वाले सेशन का हिम्मत नहीं थी क्योंकि गला बोल गया 2 घंटे में। देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे आधारित है, जी नहीं, क्योंकि ये तो समाज में एक ऑर्डर बना रहे और जरूरत पड़ी तो नियम तोड़ देंगे वो वाली बात है। पनिशमेंट 5th लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, ये तो इसमें है, ये तो ए ऑप्शन में होने चाहिए थे, ये सही से मैच नहीं है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये बात सही है कि एक व्यक्ति वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, तुम्हारे माँ बाप तुम पे प्राउड फील करेंगे अगर तुम ऑनेस्टी दिखाते हो, तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे यदि तुम अच्छे ग्रेड्स लाते हो, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आप अप्रूवल चाहते हैं किसी का इसलिए आप अच्छे बन के इम्प्रेस कर रहे हैं। ठीक, ये 3rd लेवल है, 3rd स्टेज है, 2nd लेवल है। ठीक, 10 से 14 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे इसमें। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन एथिकल प्रिंसिपल्स, ये तो लॉ एंड ऑर्डर के नहीं है, ये तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हाईएस्ट है। तो आंसर क्या होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अच्छा बनकर किसी की स्वीकृति पाना, इंप्रेस करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 21, कोहलबर्ग्स आइडिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज डैश लेवल्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन गलती फिर भी हो सकती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास में कितने स्तर हैं बताइए एक बार, कोहलबर्ग के नैतिक विकास में कितने स्तर हैं ये बताइए। हेलो दी, आज क्लास इतनी जल्दी क्यों मिस हो गई? आई कैन अंडरस्टैंड तमन्ना, मैं एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों को जो 9:30 देखते हैं, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, इसलिए मैं स्लो भी चल रही हूँ आज, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। कोहलबर्ग्स आइडिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज डैश लेवल्स, कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं, और यही स्टेजेस लिख दिया होता तो आप 6 कहते, हर एक स्टेज में, हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस हैं। देखो कई बार हिंदी में गड़बड़ हो जाएगी, इंग्लिश में देख लेना, ऐसा हो सकता है यहाँ स्तर लिखे हो तब भी वहां लेवल हो, यहाँ चरण लिखे हो तब भी वहां लेवल ही हो। तो अगर स्टेज है यानी चरण है जनरली तो 6, क्योंकि हर एक लेवल में, हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं तो 2 × 3 = 6 हो गया। ठीक, तो लेवल कितने हैं? सिर्फ 3। वैसे तो यहां 6 था ही नहीं ऑप्शन में तो आप गलती नहीं करते, बट अगर वहां लेवल की जगह स्टेजेस लिखा होता तो 6 हो जाती, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। ठीक है, नेचर लव, यार इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, कौन सा चैनल नेट के लिए अच्छी तैयारी कराता है, आई डू नॉट नो अबाउट इट। कुछ अच्छी किताबें और कुछ इंटरव्यूज देख लीजिए किसी के। इन प्री कन्वेंशनल मॉरेलिटी, प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत जो नैतिकता है वो किसके विषय में है बताइए, आंसर कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं AKS गेमिंग, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है। आज जल्दी इसलिए क्योंकि मुझे कहीं जाना है और 6:30 वाली सेशन लेना नहीं था। देखो एक बार, मैनी रूल्स एंड वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल,
जेनेरिक एंड ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर इवॉल्व्ड, प्री कन्वेंशनल है यार, बच्चों को बाहर से मतलब है, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है. रूल्स आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस इन सब पे फोकस है उसका, बाहर से जो रूल्स आ रहे हैं उन सब पे वो फोकस करेगा. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल, भाई ये रिस्पॉन्स कौन सी स्टेज का बच्चा देगा. पढ़ते हैं. योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट. यही कहानी मैंने आपको बताई थी कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित फील करेंगे अगर आप क्या हैं, ईमानदार हैं. तो कौन सी सिचुएशन है बताओ, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, पनिशमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन. सिंपल बात है, जब अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की बात हो रही है कि ये करोगे तो बहुत अच्छा लगोगे, बढ़िया मानेंगे माँ बाप, ये होगा वो होगा, तो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ठीक, गर्व फील होगा सच बोलोगे तो. ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है, इसमें बुराई नहीं है, कुछ भी अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, कोहलबर्ग की थियरी के अनुसार किसको आप एक कॉन्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं. जस्ट दो तीन क्वेश्चन बचते हैं, बताइए एक बार आंसर कीजिए. वी ऑल लाइक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच नीलम जी, एक एनर्जी का प्रभाव होता है आपके ऐसा करने से, एंड आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट. बताइए. द थियरी हैज एलैबोरेट टेस्टिंग प्रोसेस, ये तो मुझे लग रहा है मैं करा चुकी हूँ ये तो. कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी के बारे में उन्होंने अच्छा कहा है. मॉरल रीजनिंग और एक्शन तो है ही, बट ये मॉरल रीजनिंग भी कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक स्तर एज के अकॉर्डिंग ही आएगी रीजनिंग भी. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन. प्री कन्वेंशनल लेवल का बच्चा है या व्यक्ति है, जो भी आप मानना चाह रहे हैं, वैसे तो बच्चा ही होगा प्राइमरी का. इस स्टेज में बच्चे किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं बताइए. अभी बताऊंगी देवलीना, अभी बताऊंगी, चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे. नहीं बस आज ही का टाइम है ये, 9 बजे तो हमारा फिक्स टाइम रहता है, साल भर 9 होता था, आजकल 9:30 हो गया. देखो एक बार उसको लाएंगे वापस से 9:15 तक. प्री कन्वेंशनल में बाहर से पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, जितनी पनिशमेंट उतना बुरा काम. फर्क नहीं पड़ता हाइंस ने जान बचाई अपनी वाइफ की, क्या हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको. सिंपल मतलब है चोरी की है, गलत काम है, क्योंकि पनिशमेंट मिलेगा. तो जितनी ज्यादा पनिशमेंट है उतना बुरा काम है. तो बाहर से एक्सटर्नल पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंस करते हैं यानी आज्ञा पालन करते हैं प्री कन्वेंशनल के बच्चे, ठीक है. पर्सनल नीड्स और डिजायर्स ये बाद में आएगा, कन्वेंशन पे आ सकता है, कन्वेंशन पे भी नहीं आएगा इवन, ये भी इसी की सेकंड स्टेज है. कन्वेंशनल लेवल सेकंड लेवल तो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा, और थर्ड है खुद के सेल्फ, ठीक. इंडिविजुअल वैल्यूज लेवल 3 पे आएंगी. फैमिली एक्सपेक्टेशंस सेकंड लेवल पे आएगा, गुड बॉय गुड गर्ल में. लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए. लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सिचुएशन या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्राइटेरियन. किस तरह के क्राइटेरियन, कौन सी क्राइटेरिया की बात हो रही है. कोहलबर्ग के आलोचना पे बात हो रही है, आलोचना पहचानी है कौन सी है. कोहलबर्ग की आलोचना हुई है 2-3 पॉइंट्स पे हुई है कि जेंडर बायस है, कल्चर बायस है ना, और सैंपल जो है वो मेल सैंपल्स ही थे, वुमेन को नहीं लिया गया पार्टिसिपेशन में. तो यही 2-3 चीजें हैं जिसपे इनकी आलोचना हुई है. बताइए एक बार, जिनकी क्लास निकल गई हो फिर से देख लेना. मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, किसी और से पढ़ने का दिल नहीं करता. SST आप पढ़ाते नहीं हो, नेहा कह रहे हैं. देखो कुछ ना कुछ तो किसी और से पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी मैं करती हूँ कुछ ना कुछ इस बारे में भी. नहीं होगा निरंजन, नहीं होगा, इतनी छोटी बात पे तो नहीं होना चाहिए कैंसल फॉर्म, बाकी ईश्वर जाने. डी ऑप्शन मतलब कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्रीमैरिली ऑन अ मेल सैंपल. बिल्कुल सही बात है, जेंडर बायस थ्योरी कही गई है कि फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा गया, फीमेल्स इमोशनल होती हैं और उनका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जेंडर बायस है. और कल्चर मतलब अलग अलग संस्कृति अलग अलग तरीके से देखती है कुछ नियमों को, ये भी हो सकता है, ठीक. तो आंसर डी है यहां पर. टिपिकल रिस्पॉन्सेज हर एक स्टेज के मौजूद हैं, तो नॉट कहना गलत होगा. डुप्लीकेट नहीं किया उन्होंने, प्रभावित है, इंस्पायर्ड है. देखो किसी से इंस्पायर्ड होना और डुप्लीकेसी या कॉपी करना दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक. तो इंस्पायर्ड है कोहलबर्ग पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट से, सॉरी डुप्लीकेट नहीं किया, कॉपी नहीं किया. उनकी अलग स्टेजेस हैं, इनकी अलग स्टेजेस हैं, इन्होंने अपने तरीके से बात कही है, प्रभावित हैं बस. कोहलबर्ग्स थियरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, ये कहना तो गलत होगा, बच्चों के रिस्पॉन्सेज पे फोकस्ड है, तभी तो आपको स्टेजेस दिए अलग अलग लेवल की.
ठीक है बात। किसी को सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत थी, पहले तो ये बता दो कि आउट ऑफ 26 कितने ठीक हुए हैं कमेंट में, बाद में जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेशन होपफुली आपको पसंद आया होगा, आज मैं स्लो भी चली हूँ, समय से पहले करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कल टाइम पे ही मिलेंगे 9:30 ही। आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये आप बाद में जब देख रहे होंगे रिकॉर्डेड तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और दुखी मत होइएगा कल लाइव मिलेंगे जितने भी लोग अभी लाइव नहीं देख पाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आंसर मार्क मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये सेशन अगर आपने अटेंड किया है तो आप खुद मार्क कीजिए ना, आंसर फायदा तो तभी होगा। ठीक, बाकी बी योर ओन कॉन्स्टेंट, अपने साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देवलीना को कन्फ्यूजन है, ओ गॉड मैं निकलती हूँ आज, मैं चिल करूंगी। देखो एक बार, मजाक कर रही हूँ क्या ही चिल। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। देखो पूरी ह्यूमैनिटी की बात नहीं होती सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में, इंडिविजुअल के राइट्स हैं और समाज का एक नियम है इस पे बात होती है। कुछ चीजों को बदला जा सकता है यदि वो इंडिविजुअल को सूट ना कर रही हो या समाज के लिए ठीक ना हो, ठीक, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अकेला खड़ा नहीं होता इंसान, ये कह सकते हैं। वो अपने राइट्स को तो रिकॉग्नाइज करेगा बट पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, वो अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए खड़ा हो सकता है। तो आंसर इसलिए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख करके बात होती है यहाँ। ठीक हो गई बात, होपफुली ठीक जी। लो अपनी जिंदगी बहना, सही है अनुराग, धन्यवाद। बाकी यार थोड़ा थोड़ा तो मैनेज करना ही है, कभी कभी यही छोटी सी जिंदगी है, ऐसी में सारी चीजें हैं। अब फुर्सत नहीं मिलेगी 31 जनवरी तक, तो आज मैनेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है फिर, ध्यान रखिए। कहीं नहीं जा रही हूँ यार, यहीं बगल तक जा रही हूँ। एक न्यू ईयर पार्टी है, मजाक कर रही हूँ। उदय सर का टेलीग्राम चैनल, पता नहीं यार क्या है उनका टेलीग्राम चैनल, पूछ के बता दूंगी। कल मिलेंगे, लाइव नहीं आ पाते सारे वीडियो देखते हैं, कपिल शर्मा कह रहे हैं, धन्यवाद जी। कल मिलेंगे अब हम, और बस अपने दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर करके बता दीजिएगा, सेशन हो चुका है देख लीजिए, एक नंबर पक्का है इस एक सेशन से अगर आप समझ पाए तो। ये थियरी देख लीजिएगा, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ अगर आपकी इच्छा हो रही हो तो। देखो तीन लेवल हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत। 4 से 10 वर्ष की उम्र का बच्चा आ जाएगा यहाँ। एक्सटर्नल है सारी मॉरेलिटी, बच्चा इसमें 2 स्टेजेस हैं हर एक लेवल पे। पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा पालन करेगा, हाइंस को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि जेल जाना पड़ेगा, ये पहला स्तर है। दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, भाई तुम मेरे लिए ऐसा करो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, ये दूसरा लेवल, दूसरी स्टेज हुई इसी में। ठीक, फिर आपके सेकेंड स्टेज है, सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल, इसमें समाज के अकॉर्डिंग चलेगा, कन्वेंशन के जो समाज के नियम है उसके अनुसार कन्वेंशनल लेवल, ये 10 से 14, इसमें 2 स्टेजेस हैं। एक है गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे क्या होंगे प्राउड होंगे, ये है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें लॉ एंड ऑर्डर, यानी समाज में जो नियम है उनको मानना ही मानना है, अगर एक फॉलो नहीं करेगा तो सब नहीं करेंगे, रूल्स आर रूल्स, ये है यहाँ पे। ठीक, इसलिए नहीं कि पनिशमेंट, इसलिए क्योंकि समाज के नियमों को मानना जरूरी, नहीं तो सबका हिसाब खराब हो जाएगा यदि कोई एक फॉलो नहीं करेगा तो। फिर आता है आपका नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशनल स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो भी आप कहना चाहें, ये 3rd लेवल हुआ पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें ये आपका 14 साल के बच्चे हैं, आई थिंक 14 के बाद, 14 अबव का है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत। यहाँ समाज से नहीं, यहाँ इंडिविजुअल खुद से अपने नियम बनाएगा, ये सोसाइटी के नियमों से प्रभावित थी, यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल अपने कोई नियम नहीं है। ठीक, यहाँ क्या होगा, ये सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, व्यक्ति की खुद की मॉरलिटी डेवलप होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी समाज में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, और समाज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इंडिविजुअल के राइट्स भी हैं, अगर इंडिविजुअल के साथ गलत हो रहा हो तो वो खड़ा हो सकता है, उन नियमों को तोड़ सकता है, ये है 5th स्टेज। 6th स्टेज है कि नियमों को तोड़ सकता है लेकिन अगर पूरी दुनिया को भी जरूरत पड़े तो एक व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इनको दिमाग में बैठा लो तभी जाकर के काम बनेगा।
ठीक है, थियोरी देख लीजिएगा। कोलबर्ग की थियोरी मैंने यहीं लेट्स लर्न भी कराई हुई है, सर्च करो प्याजे वाइगोस्की कोलबर्ग, एक थियोरी में 1.5-2 घंटे की वीडियो है, उसको देखो, तीनों थियोरी क्लियर हो जाएंगी, 4 से 5 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मास्टर रिविजन के लिए लिंक शेयर किए हुए हैं, हमें भी ले चलो। चलो चलो ज्योति, चलो आज आपको क्या देखेंगे हम, मुझे खुद नहीं पता कोई मूवी है आजकल देखने लायक कि नहीं। और कुछ नहीं, वो औरत मेरा खून पिएगी, कहेगी तू आती है अगर, तो मुझे रात भर परेशानी ही रहती है, क्योंकि मुझे तो रात भर भूख लगती है, मैं रात को सोती तो हूँ नहीं। तो खैर ये तो हुई एक बात, चलिए बाय बाय, ध्यान रखो, कल मिलते हैं, पैसेज वाली वीडियो कल कर लेंगे, कल या परसों, अभी ये मैराथन सेशन खत्म हो जाने, तो 2 दिन के और बच रहे हैं, शाम में बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है, बहुत पूरी जान लगा के 2 घंटे में सब कुछ देना होता है, मतलब ये मान लो पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट रिवाइज कराना पड़ता है 2 घंटे के अंदर, कराना क्या पड़ता है, वो जरूरी भी है, क्योंकि आप एक मास्टर रिविजन नहीं लेंगे तो सारी चीजें कंसोलिडेट नहीं होंगी, दिमाग में एक जगह इकट्ठी नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। ठीक है, फिर प्रैक्टिस कीजिए, लिंक मैंने शेयर किए हुए टेलीग्राम पे, थोड़ा सा ऊपर जाके देख लेना टेलीग्राम में स्क्रॉल करके, 3 सेशन पूरे पूरे देख लो, अगर नहीं देखे हो तो बिल्कुल फ्री है और बहुत हेल्प करेंगे, है ना। बाय, ध्यान रखो अपना, कल 4 से 6 तो वो है ईवीएस स्पेशल क्लास में, और यहाँ पे हम 9:30 मिल रहे हैं, 6:30 वाला कल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, 24 के बाद फिर 2 सेशन पूरा पक्का परमानेंट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय। एमपीटेट के लिए कराऊंगी मैराथन, टेंशन क्यों लेते हो।